नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज का टॉपिक नया नहीं है लेकिन गंभीर है। जब समस्या ज़्यादा बढ़ने लगे तो उस विषय पे जरूर बात करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए। आप लोगों ने टर्मिनोलॉजी बहुत सुनी होगी, डिजिटल हाउस अरेस्ट। एक बार आप इसको गूगल भी कर लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा क्या है। साइबर ठगी का तरीका नया नहीं है, पुराना ही है, लेकिन लोग अभी भी फंस जा रहे हैं। और वो टारगेट कैसे कर रहे हैं, अभी इसमें लोकल लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। पहले क्या होता था ना, पर्टिकुलर एक स्टेट एक जगह के लोग होते थे, वेस्ट बंगाल, असम, राजस्थान, मेवात, इस तरीके के नू। अब लोकल भी हो रहे हैं इस तरीके से, जो नया पैटर्न आया है। तो डिजिटल हाउस अरेस्ट में क्या है, तो देखो जो पहले डिजिटल हाउस अरेस्ट का हमने जितना भी केसेस देखे थे वो क्या थे कि जैसे आपको वीडियो कॉल कर दिया, वीडियो व्हाट्सअप वीडियो कॉल कर दिया, आपने उठा लिया तो सामने वाले ने उधर से न्यूड वीडियो डाल के या स्क्रीन शेयर करके या किसी का यूज़ करके आपके फेस के साथ या कहीं आपसे भी गलती हो गई, आपको भी उसमें इन्वॉल्व कर लिया और आपका स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया। इस स्क्रीन रिकॉर्ड के आधार पर फिर वो ब्लैकमेल करते थे एक तरीके से। तो आप ऐसे समझिए कि डिजिटल अरेस्ट दो तरीके से हो जाता है आज के टाइम में। एक, कोई आपका उन्होंने इस तरीके का वीडियो बना लिया तो फिर जो वो कहेंगे आप उसी तरीके का काम करेंगे, उनके कहने पर ही चलेंगे एक सामाजिक डर से। यही चीज आपको बतानी है, इसी चीज से आपको सावधान होना है और डरना नहीं है। दूसरा, कोई उन्होंने टारगेट किया, कोई डॉक्टर, अभी डॉक्टरों को सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, जितने केसेस आए चाहे नोएडा का हो चाहे लखनऊ के, दोनों डॉक्टर्स हों, इसमें एक लेडी डॉक्टर भी हैं, अच्छा खासा अमाउंट गया है, 2,80,000 के आसपास, 2,81,00,000 के आसपास लेडी डॉक्टर से गया है, 48,00,000 जेंट्स डॉक्टर से गया है, इसी तरह नोएडा का भी केसेस है। तो वो क्या करते हैं, डराते हैं। अगर कोई बंदा कमाया भी है, अगर डॉक्टर ही है, उसकी प्रैक्टिस अच्छी चल गई, उसके पास पैसे थोड़े ज़्यादा आ गए, अगर वो ज़्यादा पैसे आ गए तो ये होता है ना आज के टाइम में डर दिखाया जाता है ईडी सीबीआई का, तो उसका हवाला देके आज के टाइम में वो क्राइम कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, एक तो तरीका मैंने आपको बताया कि आपके वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और डिजिटल अरेस्ट में वो पूरा कई दिन तक उसको मानसिक रूप से प्रताड़ना देते हैं और घर में ही रखते हैं। और क्या करते हैं, आपको उन्होंने ईडी का डर दिखाया कि आपके पास जितना अमाउंट अकाउंट में है वो सारा आप ट्रांसफ़र करिए हमारे अकाउंट में, आप इसकी जांच चल रही है, मैं ईडी से बोल रहा हूँ, सीबीआई से बोल रहा हूँ, ये क्राइम ब्रांच ऑफिसर है, ये सारी जांच करेंगे, उसका अगर आपका सही पैसा होगा तो आपका रिटर्न कर दिया जाएगा। तो आपको इतना कॉमन सेंस लगाना चाहिए यार, पढ़े लिखे आदमी हो, ऐसी कौन सी जाँच हो सकती है जो फ़ोन से हो रही है, कोई आपके यहाँ आया भी नहीं है और आप सारी डिटेल उसको शेयर कर दे रहे हो, यही सोचनीय विषय है। इसलिए कहते हैं कभी कि पढ़ा लिखा होना, इंसान भी ज़्यादा पढ़ा लिखा होना कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हैं, है ना। तो ऐसा कौन सा है कि फ़ोन से सारी जांच कर ले रहे हो, और फिर क्या करते हैं वो फ़ोन से ही आपको लाइव जोड़ लेंगे वीडियो कॉल पे, और कंटिन्यू उनका बंदा कोई ना कोई उसमें बैठा रहेगा, आपको हिलने नहीं देगा, कहीं जाने नहीं देगा, और सारी चीज़ें आपको फ़ोन पे ही कराता रहेगा, अकाउंट देगा, अकाउंट में ट्रांसफ़र कराएगा। तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, जिस अकाउंट में भेज रहे हैं वो अकाउंट आखिर किसके नाम से है, आप भी तो डालते होंगे खाते में, जब इतना बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो खाते में आप उसका नाम तो डालते होंगे ना। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये ईडी में डाल रहा है कि हम सीबीआई में डाल रहे हैं, कहाँ डाल रहे हैं, और ऐसी कौन सी संस्था है, इतना आप न्यूज़पेपर टीवी देखते हैं जो किसी का इस तरीके से फ़ोन से पैसा लेती है या फ़ोन से किसी को पैसे सीज कर देती है। भाई उनको होगा कोई चीज़ तो इनकम टैक्स आएगी या उसका केस रजिस्टर होगा पहले, फिर वो आगे आपका छापा डालेंगे तो वो फिजिकली आएंगे ना कि फ़ोन पे। तो इस तरीके से, और एक चीज़ मज़ेदार उसमें रहता है, मैंने देखा है कि लोगों में अगर थोड़ा सा उन्होंने पैसा कमा लिया, उन्हें लगता है कि ये इलीगल हो गया, आपने मेहनत की, डॉक्टर हो उसको आप इलीगल के रूप में मत देखिए, आपने कोई उस तरीके का नहीं है आपका पैसा कि आपको डरने की ज़रूरत है। तो उसके चलते भी मुझे लगता है कि लोग घबरा जाते हैं और अपनी चीज़ों को शेयर कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए। फिर वो क्या करते हैं, एकदम प्लान वे में आपको वीडियो कॉल पर रहेंगे, चार्जिंग में फ़ोन लगा के रखेंगे, एक बंदा उनका निगरानी करेगा, कई दिन आपकी निगरानी करेगा, और जैसे जैसे वो बताएगा वैसे वैसे आपसे करवाएगा,
कि आप यहाँ बैठिए, यहाँ रहिए, आपको किसी से बात नहीं करनी, आपको किसी से कोई डिस्क्लोज करनी है नहीं करना है। और मजेदार, अगर आप डिस्क्लोज करते हो तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अरे भाई, तुम तो अगर इतना कॉमन सेंस आप लगाते कि वो स्वयं कानूनी कार्रवाई कर रहा है, मेरे पैसे डलवा रहा है, चेकिंग कर रहा है, तो और कौन सी कानूनी कार्रवाई करेगा? तो उन लोगों को लगता है कि शायद ये जेल भेज देगा, और अगर हम नहीं करेंगे, किसी को बताएंगे, तो ये जेल नहीं भेजेगा। तो भाई, जेल भेजने के लिए उसको आना भी तो पड़ेगा आपके पास पकड़ने के लिए। तो इस तरीके से डरने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से किसी के पास भी कॉल आते हों कि आपका लड़का पकड़ गया है, बलात्कार में फंस गया है, मैं CBI से बोल रहा हूँ, पता मतलब CBI बड़े बड़े केसेस में जाती है, सामान्य आदमी को भी CBI बन के कॉल करते रहे और लोग एंटरटेन करने लग रहे हैं, यही गलती है। हमेशा आपको जहाँ पे भी डाउट हो तुरंत फोन कट करिए, डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपको लगता है कि आपकी नेगेटिव चीज भी चलेगी, उसके बावजूद भी आप बगैर डरे एकदम कट करिए फोन को एकदम, और आप पुलिस को सूचित करिए। और गलती से अगर कोई एक ट्रांजेक्शन हो भी गया, तुरंत फोन कट करिए और उसे 1930 पे टोल फ्री नंबर है डायल करिए, और जो भी अपना आपका पोस्ट नंबर आता है उसको दे के तुरंत उसे होल्ड कराइए पैसे को। ऐसे लखनऊ वाले केस में पुलिस ने बहुत तत्परता दिखाई, एसटीएफ ने 6 लोगों को अरेस्ट किया है और डिफरेंट अकाउंट्स में 30 लाख वो सीज भी कर दिए हैं, 30 लाख, और शायद 9 या 10 उसके पास HDFC के, और इसी तरह कई बैंक खाते पासबुक मिली हैं जो पकड़े गए 6 बंदे। तो ये नया तरीका है, नेक्सस है। पहले फिजिकल क्राइम होता था, फिजिकली लूट होती थी, अब क्या होता है सारा वर्चुअली हो रहा है, फोन के उससे हो रहा है। तो फोन पे सावधान रहने की जरूरत है, कोई भी ट्रांजेक्शन या कोई भी बात करने से पहले। अननोन कॉल आती है, आपको जरा सा भी लगता है कि ये कॉल सही नहीं है, चाहे वो पुलिस बन के कर रहा हो, चाहे कोई भी बन के कर रहा हो, आप तुरंत कट करिए। और आपको बहुत प्रॉब्लम लगती है, बोलिए मैं अभी लोकल पुलिस से बात करके आपकी बात कराता हूँ, या मैं अपने अभी वकील से आपकी बात कराता हूँ, कौन सा केस है, आप इतना तो कर सकते हैं ना, डरने की क्या जरूरत है। आपके अधिकार हैं, आपका लॉ है, मतलब सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, आपकी लोकल पुलिस है, आप तुरंत लोकल पुलिस से बात करिए। कोई भी पकड़ने भी आएगा तो बगैर लोकल पुलिस के तो आएगा नहीं आपको पकड़ने के। तो कृपया करके सावधानी बरतिए, सावधानी ही इसका पहला बचाव है। आप स्वयं सावधानी बरतेंगे तो आप लुटने से ठगने से बच जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत इस क्राइम के बहुत सारे एंड पॉइंट नहीं है। जैसे नंबर 2 की सिम होती है, नंबर 2 के बैंक अकाउंट होते हैं, जिनके होते हैं वो पकड़े जाते हैं लालच में, वो बैंक अकाउंट बेच देते हैं लोगों को। आजकल जैसे जनधन खाते खुलते हैं ना, तो खाता खुलवाया और किसी को लालच में कि लाओ तुम्हारा हम यूज कर लेते हैं, हमारे कुछ पैसे आने हैं, इसमें हम पैसे कुछ तुम्हें दे देंगे। कहीं से 10-20 हज़ार आया, 10 हज़ार उस बंदे को दे दिया, वो बंदा खुश गया, बड़ा अच्छा यार हमारे अकाउंट से पैसा आ रहा है, ये हमें दे दे रहा है। उसे ये नहीं पता कि अब ये क्राइम में यूज होने वाला है इसका अकाउंट। इसी तरह सिम खरीदने में जो बेचने वाले हैं वो पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि उस दुकान वाले का उसमें रहता है। तो जो अब जब आप सिम खरीदने जाएंगे तो सामने उस बंदे की भी फोटो होगी जो सिम लेगा। धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, फास्ट बढ़ रही है। जैसे बैंक भी पैसे होल्ड करने की प्रक्रिया स्टार्ट किया, इसी तरह ये प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। तो वो भी मुलजिम बनेंगे, वो भी जेल जाएंगे जो वहां मौके पे सिम लिए होंगे, जो अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किए होंगे। और इससे क्या है ना, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें हैं, CCTV कैमरा है, तमाम चीजें हैं। इससे भी आदमी पकड़ में आ जा रहा है कि फला दुकान से सिम लिया, उसके यहाँ भी कैमरा लगा है, अगल बगल में भी लगा, उसने चीटिंग करके सिम तो ले लिया, लेकिन वो ओरिजिनल व्यक्ति सामने से कैमरे के निकल गया, उसकी फोटो बन गई। अब पुलिस के पास बहुत सारा डेटा है, जिसको हम अपने डेटा में उसकी फोटो डालेंगे। जैसे पहले आप फॉरन में सोचते थे कि कोई जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस किया, उसकी फोटो स्कैन कर ली कैमरे ने और घर पे चालान उसके भेज दिया कि आपने ये गलती किया। जैसे हम लोगों की गाड़ी का भी हो जाता है, पता नहीं चलता मेरी गाड़ी का, स्वयं कोई मित्र मांग के ले गए, मैं उस रोड पे गया भी नहीं, कहीं वहां से चालान था, तो कहीं ना कहीं वो ओवर स्पीड में गए होंगे, तो वो जो गन स्पीड मशीन लगी रहती है वो करके उन्होंने चालान भेज दिया, तो इस तरीके से हमें भरना पड़ा। तो ये धीरे धीरे चीजें डिजिटल हो रही है, लेकिन सावधानी रखने की बहुत जरूरत है। सावधानी ही पहला बचाव है, और वो स्वयं आप इसके हैं। बाद में पुलिस पकड़ेगी करेगी, बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन पहले सावधानी आप अपना बचाव है। तो कृपया करके सावधान रहें, कोई भी इस तरीके की चीजें आती, अगर आपको नहीं जानकारी है तो आप किसी अपने साइबर दोस्त से जानकारी कर सकते हैं। इसलिए पुलिस ने भी अपना हैंडल बनाया ट्विटर और सारी चीज का, फेसबुक, उस पर साइबर दोस्त करके, ठीक है, ताकि आप बेझिझक अपनी चीजों को बता सकें। शर्माने की जरूरत नहीं है,
इस तरह की क्राइम से सावधान रहने की जरूरत है। खुद सावधान रहें, चार लोगों को और सावधान करें। थैंक यू।